अरे भाई जो तुम बोला था ना 15,000 रुपए जो क्लेम करने से आ जाएगा वो आ गया भाई। और मिठुन क्या हाल है? तबीयत खराब था भाई। कब से? एक सप्ताह हो गया। 10-15,000 रुपये खर्चा हो गया, समझ में नहीं आ रहा, पे आउट भी ठीक से नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात तुमको पता है क्या? तो हम लोग जोमेटो अगर तबीयत खराब हो जाता है जितना भी खर्चा होता है उसका अगर इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उसको पैसा हम लोग को रिफंड मिल जाती है। क्या बोल रहे हो, ऐसा होता है? हाँ सच में नहीं पता तुमको? तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जोमेटो के अनुसार अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका या आपका परिवार का तबीयत खराब हो जाता है, दोनों का इंश्योरेंस क्लेम देती है। आपके पास अगर सही वैलिड प्रूफ है तो आप क्लेम करें और जोमेटो 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के थ्रू कैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे। सबसे पहले अपना जोमेटो ऐप ओपन कर लेना है। मैंने अपना ऐप ओपन करके रखा है। ओपन करते ही आपको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में एक मोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों एक बेनिफिट का सेक्शन दिख रहा होगा, दूसरे नंबर पे बेनिफिट सेक्शन पे क्लिक करना है। बेनिफिट सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस और कंसल्ट और डॉक्टर ऑनलाइन। हमें आज मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका सरफेस इस तरह से आ जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और रेज द क्लेम पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं रेज द क्लेम पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपको डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपका जो हेल्थ का इशू आया था वो 30 तारीख को आया था। चलिए सपोज के लिए मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10 जनवरी के दिन मेरा ये हेल्थ इशू आया था। चलिए इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों ये आपको एको के पेज पे, क्योंकि जोमेटो हम लोग को एको के थ्रू इंश्योरेंस क्लेम देती है, तो एको के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगी। रीडायरेक्ट करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। चलिए ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप रेज क्लेम पे क्लिक करना है। क्लेम पे क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन हो गया है, नया पेज ओपन हो गया जिसमें लिखा हुआ है एम्बुलेंस रिप्लेसमेंट डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और मेट विद एन एक्सीडेंट। आज हम लोग बात करने वाले मेट विद एन एक्सीडेंट, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। 3 ऑप्शन में से ओपीडी ट्रीटमेंट विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन, परमानेंटली हैंडीकैप या डिसेबल। आज हम लोग बात करने वाले ओपीडी ट्रीटमेंट। हालांकि ये तीनों ऑप्शन सेम ही है, सेम ही तरह से प्रोसेस किया जाएगा। हम आपको ओपीडी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसी को करके दिखा देते हैं, आप लोग ये दोनों आराम से कर पाएंगे। चलिए ओपीडी ट्रीटमेंट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। यहाँ पे मेरा और मेरा वाइफ का नाम सिलेक्ट दिया हुआ है क्योंकि मैंने ये ऐड किया है। अगर आप और भी ज़्यादा नाम ऐड करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर का तो और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपना क्लेम करता हूँ। मेरा फुल डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। जेंडर यहाँ पे इस पेज में आपको सिर्फ जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करते ही जेंडर सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ। व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर विजिट, यहाँ पे आपका विजिट करने का जो रीज़न है वो डालना है। चलिए मैं यहाँ पे विजिट करने का रीज़न डाल देता हूँ, हेल्थ इशू लिख देता हूँ। हेल्थ इशू कब हुआ था, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 जनवरी को। नेम ऑफ द हॉस्पिटल का नेम लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करते ही आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया, यहाँ पे मेडिकल बिल्स या रिसिप्ट या फार्मेसी बिल या डायग्नोस्टिक बिल मांगा जा रहा है। चलिए मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करते 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, कैमरे के द्वारा और फाइल्स के द्वारा। अगर आपके पास फाइल्स में पहले से मौजूद है तो आप फाइल्स से डायरेक्ट दे सकते हैं या तो कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके दे सकते हैं। मेरे पास मैंने फाइल में पहले से ले के रखा है, तो मैं फाइल से ही दे देता हूँ। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस
मैं इसे अपलोड कर दिया हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने गलत अपलोड कर दिया, इसको डिलीट कर देना चाहिए यहाँ से। फिर से अगर गलत हो जाए तो डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाना है, इमेज, कैमरा, मेडिकल बिल, इसको अपलोड कर देना है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, सेम उसी प्रकार का प्रोसेस करना है। फाइल्स में जाना है, इमेज, कैमरा और प्रिस्क्रिप्शन। चलो दोस्तों, ये मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। यहाँ पे FIR मांग रहे हैं, क्योंकि FIR तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भी मैं मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। अगर वेरिफिकेशन का कॉल आएगा मैं उस टाइम बोल दूँगा क्लियरली कैसे। आपके पास वेरिफिकेशन का कॉल लेकिन आएगा ही आएगा, एक दिन बाद आता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब FIR हुआ ही नहीं था तो इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ। यहाँ पे भी मैं मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। दोस्तों मेरा ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो जोमेटो हम लोग को एको के थ्रू जो क्लेम दे रही है, ये मेरे ये आपका भी होगा और आपके फैमिली के लिए भी होगा। फैमिली में किसी का भी हेल्थ इशू आता है, अब उसको ट्रीटमेंट करवाए और सारे वैलिड बिल अब एको के पेज पे आके सबमिट करें, आपको 3 से 4 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही इस तरह का सरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स मांगा जा रहा है कि आपका अगर पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कौन से किस माध्यम से किया जाएगा। मेरा यहाँ UPI ID भी ऐड है और बैंक अकाउंट भी ऐड है। मैं बैंक अकाउंट पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे रिव्यू दिया गया। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है ये इस प्रकार है, इसको चेक कर लेना है। चेक करके यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, हाँ मैंने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करके इसको सबमिट करते ही दोस्तों आपका क्लेम रेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरा कंप्लेन सक्सेसफुली रेज हो चुका है और इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। 4 से 5 बिजनेस डे के अंदर मेरा क्लेम मुझे मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिठुन, क्या हाल? अजीत भाई, क्यों क्यों? अरे भाई, जो तुम बोला था ना 15,000 रुपये जो क्लेम करने से आ जाएगा, वो आ गया भाई। आ गया, चलो भाई, थैंक यू। चलो 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 चलो, बहुत अच्छा लगा भाई, तुम मेरे साथ हेल्प किया। ये तो मेरा फर्ज है भाई, तुम लोग को बताना। थैंक यू भाई, थैंक यू।